कक्षा 10 गणित का जो अध्याय नंबर 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का जो अभ्यास है, प्रश्नावली 12.2 है, एक्सरसाइज 12.2, उसे आज हम सॉल्व करेंगे डिटेल में। ये एक्सरसाइज का पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। मैथ के साथ साथ हम साइंस भी कर रहे हैं, उसकी भी वीडियोज़ आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। सभी चैप्टर मैंने करा दिए हैं लगभग। तो इससे पहले मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया था, इंट्रोडक्शन दिया था पूरे चैप्टर का, और साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी दिए थे, और 12.1 को भी सॉल्व किया था, तो उसे ज़रूर देख लेना। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले, ये दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, ये सब मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए, आपको आपके एनसीईआरटी में एक सूत्र है, ठीक है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, ये दिख रहे हैं आपको, इस काले काले वाले सूत्र को याद करना है और इसको याद करना है। दो सूत्र हैं और एक सूत्र आएगा, वो जब आएगा मैं आपको लिखवा दूंगा, वो एक किसी किसी सूत्र, ठीक है, वो क्वेश्चन में के साथ ही मैं लिखवा दूंगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, मतलब इस क्वेश्चन बोल रहा हूँ सूत्रों को समझा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा केंद्र है, ये हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। ये जो टुकड़ा है हमारा, ये हमारा क्या हुआ, त्रिज्यखंड, ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड। तो देखिए त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्यखंड होता है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बात आती है कि त्रिज्या के द्वारा जो काटा गया खंड है इसका क्षेत्रफल क्या है। तो जब भी त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है ना, तो इसमें कोई ना कोई एंगल बनता है, जिसे हम थीटा बोल रहे हैं, ये हमारी त्रिज्या है जिसे हम आर बोलते हैं। तो अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दें कि त्रिज्यखंड का नहीं, चाप की लंबाई बताओ, कि ये चाप कितना लंबा का काटा है, ये जो चाप है ये कितना लंबा काटा है, तो अगर ऐसे ही आपसे पूछ दें संगत चाप की लंबाई, और एक ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ, थीटा बट्टे 360 चाप बोलते ही गुणे में 2πr लगा दो। चाप का मतलब ये परिधि पर ही, तो ये चाप है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त में ही है, तो क्षेत्रफल बोलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, और दोनों में थीटा बट्टे 360 तो आता ही है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है, ये दो चीज़ आपको समझ में आई। और एक चीज़ मैं थोड़ा और बता देता हूँ, जैसे कि ये मेरा वृत्त है, लघु मतलब क्या होता है, छोटा, ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा क्या है, लघु क्या, त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है। और ये जो बड़ा है वाइट, इसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक, बड़ा वाला। फिर अगर त्रिज्या के द्वारा ना काटा गया हो तब क्या करोगे, जैसे कि सपोज करो ये तो त्रिज्या के द्वारा नहीं काटा गया ना, तो ये क्या है, लघु वृत्तखंड, वृत्त का एक खंड है ये, ठीक। और ये जो वाइट बचा है ये क्या है हमारा, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक। तो लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है आपको पता चला, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है पता चला, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 ही प्रयोग करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, कह रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है, ठीक है।
शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2। ठीक, पहला क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक वृत्त है, त्रिज्या का एक खंड, त्रिज्यखंड बोल रहे हैं, जिसका कोण कितना है 60 है और जिसकी त्रिज्या कितनी बोली है 6 सेंटीमीटर है। तो ऐसे लिखेंगे, दिया है, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री और आर, आर बोले तो त्रिज्या, थीटा बोले तो कोण, तो त्रिज्या कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना है 60 अपॉन में 360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर, और आर कितना है 6 गुणा 6, 6×36, 6 से 6 कट गया, तो यहाँ क्या बचा ऊपर 22×6/7, तो 6×2 12 हासिल लगा, 6×2 12 और 1×13 132/7। NCERT में यहीं छोड़ा है आंसर, तो हम भी यहीं छोड़ रहे हैं। बन गया हमारा पहला क्वेश्चन, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आई, इजी था। क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन समझा, क्या बोल रहा है, क्या दिया है वो देखा, क्या निकालना है वो जाना, और सूत्र में सारे मान रख के हल कर दिया, हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, सो क्या दिया हुआ है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्या निकालना है वो ज़रूरी है, और साथ ही में साथ सूत्र, फिर आपको हल करना है। आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहे हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका वृत्त होता है, ये अर्धवृत्त, चतुर्थांश यानी कि ये। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा। चौथा हिस्सा निकालना है इस वृत्त का, तो देखो ये क्या है वृत्त का त्रिज्या, ये क्या है वृत्त का त्रिज्या, और इनके बीच का ये क्या है कोण। जब वृत्त को 4 समान हिस्सों में बांटा जाता है तो कोण क्या होगा, कुल कोण कितना होता है 360। कितने हिस्सों में बांटा गया, 4 से भाग दे दो, 4×9=36, 0। तो जो इस क्वेश्चन में कोण दे रखा है वो दे रखा है 90। ठीक है, और माना इसको वृत्त की त्रिज्या कितनी आ रही है, माना वृत्त की त्रिज्या आ रही है। ठीक, दिया क्या है हमें इस क्वेश्चन में, परिधि हमें दिया है वृत्त की परिधि कितनी 22 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। कोई दिक्कत नहीं है। सो देखिए यहाँ पर 2 इधर गुणे में है, इधर आके क्या होगा बट्टे में आ जाएगा, 2×1=2, 2×1=2। पाई का मान क्या होता है, क्वेश्चन में बोला है 22/7 रखो, तो 22/7 हम रख देते हैं। ठीक है, इधर ये गुणे में बट्टे में आ जाएगा, ये गुणे में है इधर आके बट्टे में, और ये बट्टे में इधर आके गुणे में, 11×2=22, तो आर का मान कितना आ गया 7/2। हमें त्रिज्या भी मिल गई, हमें कोण भी मिल गया, हमें क्या निकालना है चतुर्थांश यानी कि ये वाला टुकड़ा। कोण पता है, एक्चुअली ये क्या है एक त्रिज्यखंड है। ठीक है, तुम यहाँ हल कर दे रहे हैं, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चतुर्थांश का क्षेत्रफल दो तरीके से करेंगे हम, आपको जो मेथड अच्छा लगे एग्जाम में कर सकते हो। चतुर्थांश क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर 4, वृत्त का चौथा हिस्सा, पाई का मान 22/7
आर का मान 7/2 पाई आर स्क्वायर, बट्टे में कितना है 4, 7 से 7 कटा 11, ऊपर कितना है 11 7 77/2 बट्टे में 4, 4 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, 77 एकम 77, 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये पहली विधि थी, पहला तरीका था। अब दूसरे तरीके पर आते हैं। नेक्स्ट फिर से वही चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वो किसके बराबर है? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर है कि नहीं है? एक त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है और उसका सूत्र क्या होता है? थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90/360, पाई का मान 22/7 और आर कितना है? 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में 7 से 7 कटा 9 × 36, 0 से 0 कटा 11, ठीक है? तो 11 7 77, 4 × 2 = 8। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जो सा अच्छा लगता है आप उस मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? एग्जाम में तो ये क्वेश्चन भी बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? एक घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सो देखो, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी घड़ी है, ये घड़ी की सुई है, मान लो कि यहाँ तक जा रही है। घड़ी की सुई की जो लंबाई बोली है वो कितनी बोली है? 14 सेंटीमीटर, और यूँ घड़ी घूम रही है। आपको पता है घड़ी है ना, 12 बजता है, यहाँ 6 बजता है, यहाँ 1, कितने खाने होते हैं? 12 खाने होते हैं, ठीक है? कुल कोण कितने का बनेगा? 360। तो देखो, एक्चुअली हमें दिया क्या है? दिया है जो त्रिज्या है घड़ी की, जो सुई की लंबाई वो त्रिज्या के बराबर है, 14 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब आ जाऊँ, क्योंकि घड़ी 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ज्ञात, 5 मिनट में घड़ी यहाँ थी, मान लेते हैं कि 5 मिनट बाद यहाँ आ जाती है, तो ये क्या कर, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है, तो हमें क्या निकालना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है? त्रिज्या तो पता है, कोण नहीं पता, कोण निकालते हैं, ठीक है? तो पहले निकालते हैं एक मिनट में रचित कोण, मतलब एक मिनट में कितना कोण बनाती है। देखो 60 मिनट में कितना कोण बनाती है? 360, ठीक है? तो एक मिनट में कितना कोण बनाएगी? 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि 60 मिनट में 60 डिग्री बनाती है, तो एक मिनट में कितना बनाएगी? 60 से भाग कर दो, 6 × 36, तो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 5 मिनट में रचित कोण, 5 मिनट में रचित कोण कितना हो गया? एक मिनट में 6 डिग्री बनाती है, तो 5 मिनट में 5 × 30 डिग्री कोण भी पता चल गया। कोण पता है, त्रिज्या पता है, क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है? तो इसलिए अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? वो सूत्र लगाएंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि घड़ी किस फॉर्म में है, किस रूप में है? वृत्ताकार। थीटा कितना है? 30, 360 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या में दे रखा 14, आर स्क्वायर है यानी कि 14 × 14, 0 से 0 कटा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो उत्तर क्या जाएगा?
ठीक है, उत्तर क्या आ जाएगा देखिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। हाँ, 11 और 14, बट्टे में कितना है, 3। 11 चक्के 44, हासिल लगा 4, 11 कम 11 और 4 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला बोला संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया आपने, वृत्त है ये केंद्र है, तो पहले देखो क्या बोला है कि संगत लघु वृत्तखंड, त्रिज्याखंड नहीं बोला है, लघु वृत्तखंड बोला है। त्रिज्या के बाद द्वारा काटा गया लघु वृत्तखंड, त्रिज्या के द्वारा, ये त्रिज्या है तो त्रिज्या के द्वारा लघु वृत्तखंड यही होगा, तो इसे आपको ज्ञात करना है। घलू क्यों लिख रहा हूँ, लघु लघु वृत्तखंड। ठीक है, और सेकंड आपको क्या बोला, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। तो सबसे पहले वाले पे बात करते हैं, क्वेश्चन पे दिया क्या है इस क्वेश्चन में, कोण 90 डिग्री, समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, 90। ठीक है, और त्रिज्या क्या दे रखी है हमें, आर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या में क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। हमें सबसे पहला वाला पार्ट क्या निकालना है, अगर इसका नाम दे दूँ ओ ए पी। ठीक है, हमें निकालना है लघु वृत्तखंड, तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये वाला पार्ट कैसे निकालोगे, जब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करोगे, हटा दोगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और इस टाइप के क्वेश्चन में पता है क्या आता है, त्रिभुज क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणा आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान क्या दे रखा है, 90, 360। पाई का मान क्या है, 22/7, और आर हमें क्या दे रखा है, 10। फिर से आर का मान क्या है, 10, साइन थीटा का मान क्या है, 90। ठीक, अब हल करें, 0 से 0 कटा, 9 चौक 36। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। ठीक है, फिर देखो यहाँ से 2 5 10, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। सो यहाँ से देखो कितना आ गया, हल कीजिए, 10 गुणा 10, है ना, 10 गुणा 10 है, कुछ कट रहा है क्या, और नहीं कट रहा ना, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, 0 9 6 36, 2 2 4 कटा, तो यहाँ से आ गया 10 गुणा 10 100, 11 कम 11 पीछे से 2 0, 7 2 14। ठीक है, माइनस यहाँ से कितना है, 50, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, 14 से भाग दीजिए, इसमें भाग देना आता ही होगा, तो ये आ जाएगा आपका 78.5, और यहाँ के 50, 78.5 में से 50 को जब आप घटाओगे तो आपको आ जाएगा 28.5,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला पार्ट आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, संगत दीर्घ, उसी के अंतर्गत दीर्घ वृत्तखंड, ये ज़रूरी है। देखो अगर ये लघु हुआ, ये लघु हुआ तो दीर्घ मेरा पूरा पूरा ये हो जाएगा पूरा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, जब मैं पूरे वृत्त में से इस वाले पार्ट को जब घटा दूंगा लघु वृत्तखंड को, तो दीर्घ वृत्तखंड बच जाएगा, है ना। सो वही काम मैं यहाँ पर करूँगा। क्वेश्चन में वृत्तखंड नहीं बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, त्रिज्यखंड बोला है। इसका मतलब समझिए, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। अब ये हमारे पास वृत्तखंड था, ये छोटा, तो इस त्रिज्या के द्वारा ये लघु हुआ, ये वाला पार्ट क्या है, लघु है, त्रिज्यखंड छोटा वाला है, और ये वाला पार्ट हमारा दीर्घ है। तो हमसे क्या बोला, दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वो क्या होगा, देखिए वो क्या होगा, जब वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से हम क्या घटाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पाठ समझने वाला है, समझ में। जब पूरे में से इस वाले इसको घटा दोगे तभी दीर्घ बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर क्या है, कॉमन है, है ना, क्या देखिए कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लो, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा सिर्फ थीटा बट्टे 360। ठीक है, सो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर लॉस ऑफ आ जाएगा 360, तो 360 एकम 360 माइनस के थीटा, पाई का मान 22/7, आर का मान किस क्वेश्चन में कितना है, 10 गुणा 10, 360, थीटा का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 90/360। तो यहाँ कितना आ गया, 22 गुणा 100/7, 360 में से 90 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 270। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, अब हमें क्या करना है, हल करना है, जैसे कि 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 11, फिर 2 नम 18, 2 5 10, 0। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है, 9 का 9, ठीक है, 9 3 27। ठीक, ये चीज़ है हमारे पास, पाई का मान 22/7, आर का मान 10 गुणा 10, सही है, 270। ठीक है, काटने पीटने में देख लीजिए, कैलकुलेशन सही कर लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, देखिए 3 बचा हुआ है क्या, सो ऊपर आ रहा है हमारे पास 11 गुणे 50 गुणे 3/7। ठीक है, सो इसको हल कर लीजिएंगे, इसको गुणा करके जब आप भाग दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी तो आपको हल करना है, हल करना आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था, आपको पार्ट 2 में बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे।